I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam. बेबी बाजी की बहुएं हम बहुत एक्साइटेड है ये दम को वो लग रहा है वो टिपिकल खाला टाइप रहेगी मैगी तो तू बनाएगी देख ठीक है बैठा है क्या अब लोग चैलेंज लगाते हैं इन दोनों के बीच में जो ये हार चुका है कि इसे एक वर्ड भी नहीं बोलना है वीडियो में सिवाय ठीक है खुद का इंट्रोडक्शन हाँ। एक वर्ड भी नहीं बोलना है तो मैं इसके लिए मैगी बनाऊंगी वो तो वैसे भी बनाएगी ये तो बोलते ही ज्यादा अरे क्या बोल रहा है ये जो मैं को रिचा तू चैलेंज कर रही है चैलेंज में किसको कर रही है टाइप का बोल रहा था एटीट्यूड हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी छुपना दूंगे खींच के मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है पाव किलो हाँ तो क्या कह रहा था वैसे ये एकदम अरे बेबी बाजी की बहू है ये एकदम वो होता है ना टिपिकल सास टाइप की जो चीजें होती है वैसा लग रहा है अरे अपन ने इसे देखे भी थे और बहुत चला था ये बहुत लंबा चला था और बहुत अपन ने इसके एक आधे बेस्ट सीन भी देखे थे वेरी फैमिली ड्रामा हाँ बेबी बाजी जोर से मारा बेबी बाजी का हमने पहले जब देखा था तब भी कितना हाइप्ड अप था और इसका सीजन तो ये लोगों ने इतना जल्दी निकाल दिया विच इज सो गुड क्योंकि फटाफट आया ना इंसान की कनेक्टिविटी भी रहती है शो के साथ फिर वो जितना लंबा होता है फिर चला जाता है हाँ ना अरे कोई भी शो बोल ऐसा दो दो साल का गैप मत लाओ यार कितना ही हो जाता है मेरे को मिर्जापुर बहुत पसंद आया था फिर मैंने नहीं देखा बाद में क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई थी यार तीन साल बाद में वैसे चालू कर टीजर वन चालू करे मैं करूंगी नहीं हम जिंदगी में तो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते उनसे लड़ते हैं उलझते हैं और फिर उनके मरने के बाद उनकी कब्र पर जाकर रोते हैं इस घर की दरो दीवार सब कुछ दोबारा से तामीर हुआ मगर इस जगह से अपनाइयत का वो एहसास नहीं किया सब बहुत अनमोल था मैंने कदर नहीं की सब गवा दिया हम एक बड़े तूफान से टकरा कर बिखर गए थे जैसे तैसे एक मकाम पे आ गए इस घर को अपनी एक बड़ी बहू की जरूरत है तुम लोगों के वापस आ जाने से ये मोहल्ला फिर से आबाद हो गया अजरा ये क्या किया तुमने रिश्ते पे फूलों की तरह से होते एक ही धागे से बंधे होते और अगर ये धागा टूट जाए तो फूलों की तरह ये रिश्ते भी बिखर जाते तुमने इस घर को बचाना है अजरा नाइस कॉन्सेप्ट और बाजी को ऐसे अपन को तो पता भी नहीं था कि उनकी डेथ दिखाई है उसमें एंड में आई गेस सैड सीजन रहा होगा वो है क्योंकि आई थिंक थोड़ा बहुत फन टीजर से जितना मुझे याद है बाजी का मतलब ऐसा ड्रामेटिक भी था क्योंकि पूरा ड्रामा था लड़ाई झगड़े एंड इट वाज मोर लाइक कि दो जनरेशन के थॉट्स जैसे क्लैश होते हैं वो भी था थोड़ा थोड़ा उसमें थोड़ा रॉन्ग राइट वाला भी था मुझे तो कुछ अलग ही लग रहा था भाई ये बट हाँ नाइस वे उनको वापस दिखाने का और अब ये फैमिली को कैसे एक साथ जोड़ेंगे लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा ये कितने टाइम तक इसको खींच सकता है क्योंकि ये थोड़े एपिसोड्स हो सकते हैं कि ठीक है फैमिली को पूरा सुधार दो लेकिन हाँ लोगों को भी इन द एंड थोड़ा ड्रामा चाहिए कुछ मतलब ऐसे उल्टा फुल्टा होना चाहिए बहुओं बहुओं के बीच में होगा अभी क्लियरली की बहुए हैं टीज़र टू बचपन में मेरी गेंद हम साहिब तुमने मेरे कमरे पर कब्जा कर लिया और मेरे कंगन भी पहन लिए मेरी तरह का लिबास पहनना शुरू कर दिया और अब घर के फैसले भी तुम करोगे अजरा भाभी आपके बाद तो बड़ी मैं ही हूँ ना मैं फैसले नहीं करूंगी तो और कौन करेगा और वैसे भी अब मैं बहुत बदल गई हूँ मैं सबको जोड़ कर रखने की कोशिश कर रही हूँ और यकीन करें मैंने लड़ना झगड़ना छोड़ दिया मजा आएगा अरे हटो इतना समझा क्या है मुझे अरे अजरा को जानती नहीं है अभी अजरा का असली रूप नहीं है है भाई है जो सोचा था वो तो है फन काफी अच्छा था वैसे मतलब वो पूरा एक लुक चेंज कर दिया उनका ठीक है जो हम सोच रहे थे क्या होने वाला है इसमें ड्रामेटिक वो दिख गया हमें नाइस यार बट एक चीज अच्छी कि इन्होंने बाजी को रखा है नहीं
मुझे लग रहा है बाजी वो आएगी बीच बीच में जब कोई कुछ बहुत गंदा करेगा बीबी देने के लिए। शी विल बी अ कैरेक्टर ना, वो एक गाइडिंग लाइट टाइप का उनका रहने वाला है, और वो कॉमिक टाइमिंग्स भी हो सकता है उनके बीच में ना। हो सकता है। ओके टीज थ्री माशाल्लाह माशाल्लाह, इनको देख कर ना मुझे अपनी सास बेबी बाजी की याद आ गई भाई। वो भी देर तक ना मुसल्ले पे बैठी रहा करती। लगता है ममानी को बहुत मिस करती हो तो। जाहिर है। और पता है मेरे ख्वाबों में भी आती हैं वो, कहीं बुला तो नहीं रही थी अपने पास। अरे भाई क्या हो गया, तुम मुझे क्यों ऊपर भेजने के चक्करों में लगी हुई हो, बार बार एक ही बात बोली जा रही हो। ये इन दोनों माँ बेटी का ना तरीका है, वारदात है। एक डिमांड करती है, दूसरी नखरे करती है। एक डिमांड करती है, दूसरी नखरे करती है। मौका है जरा भाभी, आपने तो सीधा उनको क्रिमिनल ही बना दिया। जिंदगी के सितम किसने दिखाए? तूने। अपने भाई का घर का रास्ता किसे दिखाया? तूने। और साजिशें सिखाई किसने? वो भी तूने। माँ बेटी है, दो बहनें हैं। माँ बेटी जैसा वो साउंड किया था पहले भी। भाई अज़रा को बहुत मजा आने वाला है जो कैरेक्टर है वो, क्योंकि कितना एक अलग रोल उनको प्ले इम्पोर्टेंट वो है, और उनके अराउंड पूरा रिवॉल्व। एग्जैक्टली भाई, एक्टर्स भी सारे अच्छे अच्छे हैं, कॉमिकिश लग रहे सब एक्टर्स, फन वाले। बट ऐसे टाइप के सीरीज काफी कम हो गए वहाँ पे, मतलब सीरियस ड्रामास तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन लव स्टोरी थोड़ा ये सब चाहिए होता है। थोड़ा लव स्टोरी में भी जैसे यू नो लास्ट में फेरी टेल देखा था वो अच्छा था, एंड सुनो चंदा देखा था, मतलब ऐसे टाइप के बहुत कम है, लेकिन और सिर्फ ईद पे निकालते हैं। आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा कॉमिक का। नेक्स्ट है अरे पप्पो की मोहब्बत पीछे चले जा रहे, पागल हो रहे पागल, पूरा घर उसके मकरो फरेब में आ चुका है। बस अज़रा दुश्मन है, वो हमदर्द है, अज़रा बुरी है वो अच्छी है, अज़रा कम अकल है वो अकलमंद है, अज़रा लड़ाका है वो बड़ी ही प्यार करने वाली, और अरे एक नंबर की डायन है डायन। ये क्या कहानियां सुना रही थी अज़रा? फिल्म बना रही थी, रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप कर दी मैंने। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो तुम, टीवी पे क्यों नहीं ट्राई करती? आपके पैरों में आगे माफी मांगी। नहीं नहीं नहीं, बड़ी खतरनाक हो रही है, मैंने बहुत बेइज्जती कराई है, तुम जाके अपनी इज्जत अफजाई ना कराना, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, देखना तो सही। हाँ वो मुझे याद आया, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात का मशवरा करना है। उसके बाद अरे सुनिए तो सही, थोड़ी सी सुनिए तो सही। लेकिन इसके बाद जो और ऊपर से एक्टिंग इतनी अच्छी है उनकी, वही जो फूफू बनी है वो भी बहुत प्यारी लग रही है। अब समझा फूफू की बेटी थी जो बोल रही थी कहीं आपको बुला तो नहीं रहे अपने पास, अब समझा कि वो क्यों। गाड़ी रोक यार, पीछे आओ यार, गाड़ी रुको, ओ भैया गाड़ी रोक यार। क्या हो गया, आप क्यों मेरे पीछे पीछे आ गए? मुझे कहती हूँ अपने काम पे ध्यान दिया करें, आपका ध्यान कहाँ होता है? आप मुझे ये चाबियाँ देने आए, मेरे पास डुप्लीकेट होती हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो फोन कर लेते ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तमाशा बनाने का तो शौक है ना आपको। अच्छा भाई माफ कर दे मैडम। अच्छा बस बस, अब दोनों रोमांस कम करो और काम की बात करो। इन शादी की तकरीबात में जो हम दोनों अच्छे बच्चों की तरह एक्टिंग करते हैं, आगे भी ऐसे करते हैं। हाय मशरिकी औरत, तू कब तक जुल्म सहेगी? एक्सक्यूज मी, इनको काफी अच्छे लुक्स दिए हैं वैसे भाई, इसमें तो ड्रामा जीरो दिखाया है अभी तक, तो काफी हद तक इसको कॉमिक कर दिया है। तो वैसे टाइप का रहेगा जहाँ पे ये लोग कॉमिक रखेंगे और सैड वाला थोड़ी चीजें रखेंगे। मतलब टीजर सिक्स नहीं, जैसे इसमें वो बीच वाला सीन था जब वो कह रहे थे कि हम जैसे अच्छे बच्चे की एक्टिंग कर रहे थे हम वही करेंगे, और उनकी आंखें एकदम भर गई थी वो लीड की, वो साउंड कुछ और कर रहा था।
कि मुझे तुमसे कुछ प्यार व्यार नहीं नहीं है। ये लोग काफी अच्छे ट्विस्ट लेकर आए, लाइक सीजन टू के लिए ये लोगों ने एक कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी लाइन उठाई है जहाँ पे सबको अलग अलग एंगल्स दे दिए। मैं सोच रही हूँ भाई सीजन वन का एंड क्या सैड रहा होगा। इतने हो सकता है ना उन लोगों ने वैसा एंड किया ही नहीं और यहाँ पे डायरेक्ट ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है उनकी डेथ तो हो गई है अभी वैसे दिखाई क्योंकि वरना बहुत सैड है। वो तो है नहीं, बट फ्लैशबैक्स बताए थे ना ये लोग ने स्टार्टिंग में, उनके फ्लैशबैक में भी लेकिन वैसे ही बता रहे थे कि हमें अच्छा, उनकी कदर नहीं होती है और फिर वो तो नॉर्मल थे फ्लैशबैक, ऐसे कुछ नहीं था कि कुछ हुआ है। मजा आया या और नाम भी अच्छा दिया, हैव फन गाइस। आप लोग तो देख सकते हैं आराम से, हमें बताना लेकिन कैसा जा रहा है ये शो, इसका लॉन्च कब, अपन ने लॉन्च डेट नहीं देखा ना। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।